ये इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट मतलब हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी टाइम उस कंपनी को होल्ड करने के हिसाब से जो शेयर लेते हैं, और उसका मिनिमम होल्डिंग पीरियड इज एज पर द इनकम टैक्स लॉ 1 ईयर। इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है, 365 दिन के ऊपर अगर आपने कोई स्टॉक रखा, इट इज कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इनकम टैक्स लॉ वगैरह वो सब हम साइड में रखते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या उसको जानते हैं कि मैंने आज पेड़ लगाया कोई और 5 साल बाद 10 साल बाद मुझे उसका फल मिलने वाला है, फ्रूट मिलने वाला है, तो मैं कुछ एक्सपेक्टेशन से उसको रखता हूँ। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि 1919 के आसपास इंफोसिस का आईपीओ आया था, उस आईपीओ में उस टाइम पे टिकट साइज 10,000 रहता था, अभी 15,000 मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ता है ना आईपीओ, तो उस टाइम पे 10,000 रहता था। वो 10,000 के न जाने कितने करोड़ 15 साल में इंफोसिस ने इन्वेस्टर की बना दी, 10,000 के न जाने कितने करोड़, ऐसे बहुत सारे कंपनी थे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आगे की वेल्थ क्रिएट करने के लिए काफी समय हमें देना पड़ता है, और वो समय देने के अनुसार ही ध्यान में रखकर अगर हम कोई पैसा किसी कंपनी में रखते हैं, मतलब स्टॉक खरीदते हैं उस कंपनी का, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि मुझे उस कंपनी को सालों साल मेरे पास नहीं रखना, कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पे सालों साल रखने की इंटेंशन से हम कोई शेयर खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट, और ट्रेडिंग में मुझे उसको जितना कम से कम समय हो, जितना कम से कम समय हो उतने कम से कम समय में उसको लेकर बेच देना है। लेकिन लेकर बेच देने के टाइम पे मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि मैं अगर 10 रुपये पे ले रहा हूँ तो मैं 12 रुपये पे बेचूँ। ट्रेडिंग का मतलब ही क्या है कि कम से कम समय में उसको स्क्वायर अप करना, मतलब बेच देना, और कम से कम मार्जिन रख। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में ये गलती करते हैं कि अगर कोई शेयर उन्होंने लिया है 250 का तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो करते हैं ट्रेडिंग, वो अपने आप को बताते हैं मैं ट्रेडर हूँ, लेकिन दे एक्सपेक्ट मोर। इफ यू आर रियली अ ट्रेडर, अगर आप सच में ट्रेडर हो, तो आपको जितना कम से कम मार्जिन, मतलब जितना कम से कम गैप में बेचना हो उतने कम से कम बैच गैप में आपको बेचना है, क्योंकि कम समय के लिए जब आप ट्रेड करते हो तो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी रहती है वो आपको ज्यादा कमाने का मौका कभी नहीं देती, और आप ज्यादा कमाने के लिए वो ट्रेडिंग में ज्यादा मार्जिन कमाने के लिए रुकते हो, उससे होता क्या है वो 2-5 रुपया 10 रुपया ऊपर जाता है, आप उसको बुक नहीं करते क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है, और फिर मार्केट रिवर्स आ जाने के बाद फिर आपको उसको कंपल्सरी लॉस में बेचना पड़ता है। तो ट्रेडिंग का मतलब यही है, कम से कम समय के लिए और कम से कम प्रॉफिट का मार्जिन रखकर, वो भी आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो आप कम से कम मार्जिन रखोगे और आपका रिस्क रहेगा ज्यादा से ज्यादा तो वहां पे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अच्छा, इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे एक और पॉइंट आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, दोनों में से कोई भी चीज आप कर रहे हो, आपको प्री प्लान करना है। इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आप जब बैठे हो मोबाइल ऐप के सामने या आपके कंप्यूटर लैपटॉप के सामने बैठे हो, टर्मिनल के सामने बैठे हो, और उस समय आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे अभी इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे अभी ट्रेडिंग करना है, नो, आपको जो कुछ भी करना है, आपको ट्रेडिंग करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यू नीड टू प्लान प्रायरली, प्रॉपर प्लानिंग करना है कि मेरे पास इतना अमाउंट है, ये है मेरा व्यू ऐसा है, किसी का एडवाइस लेना है और फिर इन्वेस्ट करना है। ट्रेडिंग करना है तो आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने वाले हो, कौन से ट्रेडिंग प्लान या कौन से इंडिकेटर के साथ ट्रेड करने वाले, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका टारगेट क्या रहेगा मार्केट कंडीशन के अनुसार, ये सब आपका प्री प्लान होना चाहिए, और मार्केट ऊपर होने के बाद सिर्फ एग्जीक्यूशन होना चाहिए, उस टाइम पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, होता उल्टा है, हमारा कोई भी प्लानिंग नहीं होता और जब हम मार्केट के सामने रहते हैं तब डिसीजन लेते हैं जो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
तो इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो आप स्टॉक खरीदते हो, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और ट्रेडिंग मतलब जो आप शॉर्ट टर्म मतलब एक मिनट से लेकर एक दो दिन तीन पंद्रह दिन के लिए जो ट्रेड करते हो, इट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। क्लियर? यस सर। Thank you.